सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई, गांव है सोरकी और ये सोरकी गांव का शिव मंदिर है जहां पर अभी पीछे आप ये देख भी रहे पूरे का पूरा जो माहौल जो बना हुआ है, जो ये देखिए कि जो पीली पगड़ी है और पीले जो पढ़ने जो लिए हुए और फूल मालाओं के साथ जो सजे हुए हैं आप देख भी रहे कि राजेंद्र सोरकी है। दरअसल क्या है कि आज इस गांव में एक पंचायत का यहां आयोजन किया गया था और पंचायत में काफी कुछ, क्योंकि पंचायत को जो है वो भगवान का रूप माना जाता है और पंचायत जब किसी भी एक फैसले के लिए इकट्ठा होती है तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कितने क्या एक जो फैसला हुआ, कैसे क्या एक आयोजन हुआ वो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि ये जो पंचायत जो बुलाई गई है कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर है और प्रधान जी से बात करेंगे कैसा क्या यहाँ का आयोजन है। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। आज आसी हल्का के जो ग्रामीण पंचायतें हैं उन्होंने एक फैसला लिया कि क्यों न हम राजनीति में 50 साल से शहरी लोगों को कैंडिडेट बना रहे हैं, भाई हमारी ताकत हम अपने आप क्यों न बनाएं। इस पे लगभग 3 घंटे पंचायत चली, इससे पहले भी काफी पंचायतें चली हैं, उस पंचायतों का दौर चला, आज यहाँ हम पहुंचे। जितने भी हमारे ग्रामीण कैंडिडेट थे उन पे चर्चा हुई, सभी पंचायतियों के विचार लिए गए, अंत में एक फैसला लिया गया हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की जो ताकत है उसको एकजुट करने के लिए, 36 बरादरी का जो हमारा भाईचारा उसको एकजुट करने के लिए, और शहर में जो लोग बैठे हैं हमारा जो शोषण कर रहे हैं उनसे बचने के लिए ये फैसला लिया गया कि हमारा कैंडिडेट, हमारा उम्मीदवार हासी हल्का का ग्रामीण क्षेत्र का होगा। और उस पर चर्चा करने के बाद राजेंद्र सोरकी जी का नाम सभी ने एक मत से पास किया। हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारा आज का युवा, बुजुर्ग और हमारा ग्रामीण हमारी ताकत को समझने लग गया है और एकता दिखाने लग गया है, इसमें बड़ी खुशी की बात भी है। और राजेंद्र सोरकी को हम सभी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, सभी जाति से ऊपर उठ के, सभी धर्मों से ऊपर उठ के भाईचारे का जो कैंडिडेट है वो राजेंद्र सोरकी है। सभी का यहाँ पहुँचने पर सभी पंचायतियों का हासी हल्का की लगभग 50 पंचायतें यहाँ पर आई हैं, सभी पंचायती जो अपने सरपंच साहिबान थे उन्होंने अपने विचार रखे, जो मौजूद पंचायती कहते हैं हम लोकल पंचायत होती जो, वो पंचायती भी थे, उन्होंने अपने विचार रखे, सभी के विचारों के बाद फैसला लिया गया है और सभी ने एक मत से अपने आप को राजेंद्र सोरकी मानते हुए ये फैसला लिया है कि हम सभी राजेंद्र सोरकी हैं और हमारा ग्रामीण का ये चुनाव है, हम सभी मिलकर साथ में लड़ेंगे। लगातार पंचायतें चल रही थी, क्या आज की फाइनल पंचायत थी? ये पहले पंचायतें हुई, अलग अलग कैंडिडेटों पे विचार हुआ जी। ये चुनाव से टिकट बटने से पहले पंचायतें हुई, कई पंचायतों में कई दौर की बात हुई, लेकिन कई फैसले पर नहीं पहुंच पाए, कहीं अड़चने थी, कहीं टिकटों की अड़चन थी, कहीं भाईचारे की अड़चने थी, लेकिन आज सभी पंचायतों ने, सभी सरपंचों ने एक मत से राजेंद्र सोरकी को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रधान जी, जैसे मान लो और भी पार्टियों के उम्मीदवार है, निर्दलीय भी जो है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार राजेंद्र सोरकी, इनके नाम पर कैसे सहमति बनी? ये पार्टी का नाम बाद में है, भाईचारे का जो सर्वे हुआ सभी ने मंथन किया कि कौन सा कैंडिडेट हमारा आज हम इसके लिए चुनाव लड़ सकते हैं वो कौन सा है, उस सब पे परिणाम जब खोजा गया तो राजेंद्र सोरकी का नाम सबसे ऊपर पाया गया। मंथन हुआ, उस मंथन में जिसका नाम आया उसको बनाया, ना कि हमने पार्टी देखी, हम एक अच्छी छवि देखी, सामाजिक हमारे तौर तरीके में जो को हमारे को काम आता है, हमारे समाज के लिए को काम कर रहा है उसको देखा है। पंचायतें जो है इसके लिए प्रचार भी कोई करेंगी, वोट के लिए कैसे करेंगी कि भी सुनिश्चित हो कि इनको वोट भी मिले, आगे की क्या रणनीति बनाएगी, मकसद है या फिर नाम रखना मकसद था? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आज जो पंचायत सभी आई थी, सभी पंचायतियों ने एक ही मत लिया कि हम सब राजेंद्र सोरकी है, क्योंकि राजेंद्र सोरकी आज तक पार्टी का कैंडिडेट था लेकिन आज पंचायतों का कैंडिडेट है, अपने आप को सभी को राजेंद्र सोरकी मान के वो काम करेंगे और थोड़ी देर के बाद अभी यहाँ से ही रूपरेखा बढ़ाएंगे चुनाव किस तरह का लड़ना है। गाँव दर गाँव जाएंगी पूरी की अभी कमेटी? बिल्कुल, हर गाँव में सभी लोग जाएंगे, जो भाई अगर कोई भी बात
छोटी मोटी किसी बात है, कोई मनमुटाव भी है किसी भाई को, उसको मना करके ये आप देखियो कि 3 दिन के बाद पूरा हांसी हल्का का जो ग्रामीण क्षेत्र वो एक होगा। राजेंद्र जी क्या कहोगे, आपको घोषित किया है भाई सर्वपंचायती जो नेता के तौर पे या प्रत्याशी के तौर पे, तो आपको पगड़ी भी बनाई, फूलमालाएं पहनाई है, क्या कहेंगे? देखिए हमारे हांसी हल्के की बड़ी एक पुरजोर जन भावना थी ये कि भाई हांसी की विधायकी अपने डोलियां ते और अपने चौतरियां ते चलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 57 साल से हरियाणा बनने के बाद चुनाव हो रहे हैं और कोई भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई विधायक नहीं चुन के आया आज तक, मेजोरिटी ग्रामीण की होते हुए। और लगभग अगर आप देखोगे 1982 के बाद पिछले 42 साल से करीब जो है ज़्यादातर जो दबदबा है वो केवल मात्र 2 परिवारों का रहा है। तो एक ये साधारण जन भावना थी कि भाई अब हांसी की विधायकी और गांव के अपने डोले और अपने चौतरियां ते भी चलनी चाहिए, इसी जन भावना को लेके ये आज पंचायत की गई थी। और पंचायत ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है और ये जो मान सम्मान की जो पगड़ी जो पहनाई है, इसके लिए तय दिल से सारे हमारी सरदारी का, सारे पंचायतियों का और सारे हमारे बुजुर्ग का तय दिल से आभार। और मैं आपके माध्यम से पूरी हमारी बिरादरी को, 36 बिरादरी को और पूरे हांसी हल्के की समस्त सरदारी को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस पगड़ी का मान राजेंद्र सोरखी के लिए जान से भी जो है ना बढ़ के रहेगा। राजेंद्र की जान छोटी है और इस पगड़ी की इज्जत जो है वो ऊंची रहेगी।